कटिहार डीएम एवं एसपी ने बाबा गोरखनाथ धाम का लिया जायजा। श्रावणी मास को लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु की उमड़ती है भीड़। सुरक्षा के मानकों का किया जा रहा निरीक्षण। मंदिर कमेटी के सदस्यों तथा पदाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कटिहार जिला के गोरखनाथ धाम, जो छोटा बाबा धाम के रूप में जाना जाता है, वहीं कटिहार डीएम मनीष कुमार मीणा और एसपी जितेंद्र कुमार पहुंचकर जायजा लिया। श्रावणी मास में लाखों की संख्या में श्रद्धालु कटिहार के मनिहारी गंगा घाट जल लेकर गोरखनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं। कटिहार डीएम और एसपी ने गोरखनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद मंदिर कमेटी के लोगों से भी व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा, पार्किंग, एग्जिट एंट्री प्वाइंट को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। धंधाधिकारी और पुलिस वालों की विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति की जाएगी। श्रावणी महोत्सव का हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। गौरतलब हो कि इस गोरखनाथ धाम का अपना एक अलग ऐतिहासिक महत्व है। खास बात यह है कि श्वेत शिवलिंग के रूप में स्थापित और आसपास के इलाके पश्चिम बंगाल, नेपाल और भूटान से भी श्रद्धालु श्रावण मास में यहाँ जलाभिषेक करने भारी संख्या में पहुँचते हैं। कटिहार जिले का गौरव है और आज जो है आगामी श्रावणी मास मेला को लेकर के हम लोग यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं। बाबा की पूजा अर्चना हम लोग किए और जो भी सुरक्षा की व्यवस्था है, जो क्राउड मैनेजमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उसकी हम लोगों ने समीक्षा की और जो गोरखनाथ धाम मंदिर के जो भी अध्यक्ष हैं और जो भी मेंबर लोग हैं, सेक्रेटरी है, उन सभी से जो है विस्तृत चर्चा हुई। हर वर्ष की भांति जो है इस वर्ष भी एंट्री हम लोग एक तरफ से रखेंगे, एग्जिट एक तरफ से रखेंगे। दो गेट है हम लोग का, आप देख रहे हैं, और बाकी जो पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, जो बड़ी गाड़ियां हैं वो मेन रोड पे ही लगेंगी और बाकी ये जो रोड है यहाँ पर पैदल ही हमारे जो श्रद्धालु हैं वो आएंगे। हम लोग पूरी इसकी व्यवस्था रखेंगे। थैंक यू। आगामी श्रावणी मास को लेकर बाबा गोरखधाम मंदिर में आज दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु विभिन्न घाटों से जल उठाव करके जल अर्पित करते हैं। उस दृष्टिकोण से मंदिर कमेटी के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रबंधन किया गया है, उसी का आज हम सभी लोगों ने क्षेत्र भ्रमण किया है। जिस प्रकार हर बार श्रद्धालु के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था किया जाता है, इस बार भी उनके आवागमन के लिए, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी प्रकार की व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा किया जाएगा और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के सभी प्रबंधन किए गए हैं। आगामी श्रावणी मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।